नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने पॉलिटी के सेक्शन को आगे बढ़ाएंगे और इसमें शासन प्रणाली, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप, एग्जाम रिलेटेड फैक्ट्स, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, अन्य राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय दिवस और त्योहार, विविध और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र को डिस्कशन करेंगे। तो आइए बिना लेट किए हुए हम डिस्कशन करते हैं। तो इस क्रम में हम सबसे पहले जो आते हैं शासन प्रणाली की बात करते हैं। शासन प्रणाली की बात करें अगर हम तो प्राचीन, इसका प्राचीन रूप है और एक हो गया आधुनिक रूप। आधुनिक रूप, ठीक है, आधुनिक रूप। हम जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा। प्राचीन रूप में जो होता था राजतंत्र होता था, राजतंत्र होता था, इसमें शासक जो होता था वो राजा होता था, इसमें राजा होता था शासक, और ये पद जो होता था पद अनुवांशिक होता था, और इसमें जो सत्ता का स्रोत था, सत्ता का स्रोत वो स्वयं राजा होता था, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए तो सऊदी अरब हो गया, सऊदी अरब, यूएई हो गया, ओमान हो गया, जो खाड़ी देश है वहां की बात करें, कतर हो गया, भूटान हो गया, पहले नेपाल भी था, अब नहीं है। और आधुनिक रूप की बात करें तो लोकतंत्र होता है। यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब हो गया जो शासक होगा, यहाँ का शासक होगा वो प्रधानमंत्री होगा, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। अब इसके बाद इसके पद की योग्यता की बात करें, पद जो है यहाँ पर योग्यता आधारित होता है, ठीक है, आधारित होता है। उसके बाद यहाँ सत्ता का जो स्रोत है, सत्ता स्रोत जो है ये जनता है, यहाँ इसमें राजा होता है, इसमें जनता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें अगर हम यहाँ पर आधुनिक रूप में जो लोकतंत्र की बात है, तो जैसे अमेरिका हो गया, अमेरिका थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, भारत हो गया, और कनाडा हो गया, फ्रांस हो गया, फ्रांस एक्सेट्रा, ठीक। इसके बाद हम आते हैं लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मुख्य रूप जो है, मुख्य रूप में क्या है कि अध्यक्षीय होगा, यहाँ पर अध्यक्षीय होगा, उसके बाद मुख्य रूप में अध्यक्षीय हो गया और संसदीय हो गया, संसदीय। अब अध्यक्षीय में जो है राष्ट्राध्यक्ष जो होगा, राष्ट्राध्यक्ष या फिर राज्य का प्रमुख, राज्य का जो प्रमुख होगा, और या फिर इसी में ही शासनाध्यक्ष होगा या सरकार का प्रमुख, सरकार का प्रमुख, प्रमुख जो होगा। अब ये अध्यक्षीय शासन की बात कर रहे हैं हम, तो इन दोनों में जो होगा वो होगा स्वयं राष्ट्रपति, ठीक है। राज्य का भी प्रमुख होगा, सरकार का भी प्रमुख होगा, राष्ट्रपति। और राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है ये राष्ट्रपति। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे यूएसए, ठीक। संसदीय की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर भी राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष या फिर राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख। और शासना, यहाँ पर देखिए शासनाध्यक्ष, शासनाध्यक्ष या फिर सरकार का प्रमुख। तो यहाँ पर तो राष्ट्रपति है दोनों में, और यहाँ पर जो होगा राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति होगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा शासनाध्यक्ष सरकार का प्रमुख वो होगा प्रधानमंत्री। अब ये जो होगा राष्ट्रपति, राज्य का नाम मात्र का प्रमुख रहता है, ठीक है, प्रमुख है। और यहाँ वास्तविक प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख। अध्यक्षीय में राष्ट्रपति ही होता था वास्तविक प्रमुख, और यहाँ पर वास्तविक प्रमुख पीएम, प्रधानमंत्री है, ठीक है।
इसका अगर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो ब्रिटेन हो गया और इंडिया हो गया, सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है इंडिया। ठीक है, तो इसी में ही अगर हम बात करें तो जैसे राज्य के महत्वपूर्ण तत्व जो है, ये हो गए तत्व संप्रभुता, संप्रभुता। ठीक, चार तत्व हैं, जनसंख्या, जनसंख्या, भूभाग हो गया, किसी भी राज्य का भूभाग, ये महत्वपूर्ण तत्व हैं जो चार हैं, वो संप्रभुता, जनसंख्या, भूभाग, सरकार या फिर सत्ता। ठीक, ये चार जो है प्रमुख है, महत्वपूर्ण तत्व है। अगर हम एग्जाम से रिलेटेड बात करें, एग्जाम रिलेटेड फैक्ट की बात कर लें, तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन बन सकता है जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसमें संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम क्या है। अब जैसे संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम अगर करें हम, तो दूसरा नाम जो होगा वो होगा मंत्री, संसदीय की बात हो रही है तो मंत्री मंडलीय शासन प्रणाली कर सकते हैं, शासन प्रणाली कर कह सकते हैं। और वहीं अध्यक्षीय की बात करें, अध्यक्षीय में आपने देखा कि राष्ट्रपति ही सब कुछ होता है, तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की बात करें हम, अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम कहें, दूसरा नाम, तो यहाँ पर जो होगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली। राष्ट्रपति यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि वो प्रेसिडेंट जो है वो नाम मात्र के हैं, नाम मात्र। ठीक है, और वास्तविक तो पीएम है, यहाँ पर वास्तविक जो है वो वास्तविक शासक है, ये सरकार के प्रमुख है ये पीएम, इसीलिए मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली होता है यहाँ पर, अध्यक्षीय में राष्ट्रपति होता है। अब अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली का जनक अगर माने तो ब्रिटेन को ही मानते हैं, और भारत में जो सत्ता का एकमात्र स्रोत है, भारत में जो स्रोत है सत्ता का वो है जनता, एकमात्र स्रोत है जनता। संविधान हो या कोई भी हो, यहाँ पर पावर जो मिलता है वो जनता से ही मिलता है, इसीलिए यहाँ का प्रस्तावना जो शुरू होता है, हम भारत के लोगों, लोग से चालू होता है, तो लोग मतलब कि यहाँ जनता से ही पावर मिलता है सब कुछ। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय क्या है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है, गणतंत्र अगर इसका भारत की बात कर रहे हैं हम, भारत एक गणतंत्र है तो इसका आशय क्या होगा। राज्य मतलब राज्य यहाँ पर देश की बात हो रही है, का प्रमुख जो होगा वो राष्ट्रपति। ठीक है, प्रमुख मतलब राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसीलिए निर्वाचित होता है। जैसे राज्य का प्रमुख जो होगा निर्वाचित होगा, इसीलिए ये गणतंत्र है भारत। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व तो है संप्रभुता, हमने पहले बात कर लिया, और सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद, संघवाद किसने कहा है, ये भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है, तो एक है जी ऑस्टिन, उन्होंने कहा है। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आया भी है और आ भी सकता है। भारत को अर्धसंघात्मक राज्य कहा है केसी व्हीलर ने। ठीक है, इसके बाद हम इसी क्रम में आगे बढ़े तो राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें, तो राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात करते हैं, तो अगर इसके अभिकल्पना कर्ता की बात कर लें अगर हम, तो ये थे पिंगली वेंकैया। ठीक है, वेंकैया, पिंगली वेंकैया, पिंगली वेंकैया। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज की बात हो रही है, अभिकल्पना कर्ता थे इसके। अगर लंबाई की बात करें हम, लंबाई और चौड़ाई के रेशियो की बात करें अगर, तो सभी को पता होगा लगभग 3:2 है,
उसके बाद ये कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को। अगर इसके पत्ती की रंग की बात किया जाए तो केसरिया जो है, केसरिया सबसे ऊपर होता है जो साहस बलिदान का प्रतीक है, सफेद जो होता है इसमें शांति सच्चाई का प्रतीक है, और हरा जो है, हरा की बात करें तो उर्वरता, उर्वरता एवं समृद्धि की प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है। और चक्र की बात करें तो इसमें रंग जो चक्र का है वो है नीला, तीलियां इसमें है 24, और इसके प्रतीक की बात करें, जो प्रतीक की बात करें, चक्र के प्रतीक की बात करें, प्रगति एवं न्याय का। और ये लिया कहाँ से गया है, लिया गया ये अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ सारनाथ से, सारनाथ से ये पूछ सकता है, सारनाथ से लिया गया है। अगर सारनाथ का ही जिक्र आ रहा है तो इसी क्रम में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इससे पहले यहीं पर बात कर लेते हैं हम नीचे आके। देखिए राज चिन्ह की बात हो रही है, राज चिन्ह, ठीक, राज चिन्ह की बात करें तो अशोक, अभी तो हमने डिस्कस किया अशोक का सिंह स्तंभ है, अशोक का सिंह स्तंभ, अब ये कहाँ से, सारनाथ से, अभी बताया हमने सारनाथ से लिया गया। अब इसमें अंकित शब्द जो हैं, इसमें जो शब्द लिखे हैं, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक, ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद, क्यों इसलिए इस पे कह रहा है मुंडकोपनिषद, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एक आया था तो उसमें मुंडकोपनिषद ना लिख के कुछ और लिखा था, ऐसे ही लिखा था, लोग सही करके चले आए उसपे और वो आंसर गलत था। मुंडकोपनिषद में ये उल्लेख है, वहीं से लिया गया, सत्यमेव जयते अपनाया गया, ये अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। और सिंहों की संख्या इसमें 4 है, और नीचे अंकित जो चिन्ह है दाएं पे है, जो दाएं है उसमें वो बैल का है, बैल का है, और मध्य की बात करें तो अशोक चक्र है, और बाएं की बात करें अगर हम तो घोड़ा है, ठीक है। अब राज चिन्ह, यहाँ तक हम राज चिन्हों की बात कर चुके हैं, इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रगान की बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रगान जनगणमन गीतांजलि से लिया गया, इसके रचयिता जो थे, गीतांजलि के रचयिता, रचयिता की बात कर लें हम, तो वो थे रविंद्र नाथ टैगोर, ठीक। इसको अपनाया गया, अपनाया कब गया, ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम गायन की अगर हम बात करें तो 27 दिसंबर को, ठीक है, 1911 को ये गाया गया, कांग्रेस का अधिवेशन था, ये कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन लिख दे रहे हैं, कलकत्ता अधिवेशन, अधिवेशन में ये गाया गया पहली बार 1911। और इसमें गायन अवधि जो है, गायन अवधि की बात करें, टाइम अवधि की बात करें, टाइम की बात करें तो ये 52 सेकंड है, 52 सेकंड। अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात करें, आनंद मठ से लिया गया है, इसके रचयिता जो है, इसके तो हो गए रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि से लिया गया जनगणमन, अब इसके रचयिता जो है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, चटर्जी। ये कब अपनाया गया, ये 24 जनवरी 1950 को, ये सब इसी दिन अपनाया गया। अब प्रथम गायन कब हुआ, प्रथम बार, ये प्रथम बार कब गाया गया, 1896 में। अगर हम यहीं पर ही पंचांग की बात कर लें तो हमारा जो पंचांग है यहाँ पर, ये किस पर आधारित है, शक संवत पर आधारित है। अब इसके बारे में इतिहास में पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है, शक संवत, ठीक है, ग्रेगियन, और जो अपनाया जाता है विश्व लेवल पे, ये ग्रेगोरियन
कैलेंडर, कैलेंडर के साथ। ठीक, अब ये कब अपनाया गया? ये अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। और ये प्रथम माह जो है, ये प्रथम माह जो है चैत्र का आता है, और अंतिम माह जो है, अंतिम माह ये फागुन का। अब ये फागुन का महीना वही होता है जो होली का त्योहार होता है। इसी में ही अगर हम बात करें राष्ट्रीय प्रतीकों की, बात करें अगर, तो बाघ की बात कर ले। बाघ किसका है? राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय पशु है। उसके बाद अगर राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, अगर हम ये सब नेशनल की बात कर रहे हैं, नेशनल, ठीक है, तो राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। और पुष्प की बात करें, पुष्प की बात करें तो कमल हो गया। ये सब बेसिक चीज है, जानते होंगे। और विरासत पशु की बात करें अगर हम, विरासत पशु, फिर भी सुन लीजिए, विरासत पशु जो है हाथी है। और जलीय जीव की बात करें हम, जलीय जीव की बात करें राष्ट्रीय, तो डॉल्फिन है, डॉल्फिन है। ठीक, और फल की बात करें तो ये सभी को पता होगा, आम है, क्योंकि मौसम भी उसी का आ रहा है। और राष्ट्रीय फल हो गया। और राष्ट्रीय मुद्रा की बात करें तो हम ये है रुपया, ठीक है, उसका साइन ये है रुपया। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात कर ले अगर हम, तो बरगद हो गया, बरगद। अब इसी में ही अगर हम देखें त्योहार और दिवस की बात करें, तो देखिए हमारे यहाँ तीन त्योहार मनाया जाता है। एक 26 जनवरी जिसे गणतंत्र दिवस बोलते हैं, और एक मनाया जाता है 15 अगस्त जिसे हम स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं। और एक मनाया जाता है 2 अक्टूबर जिसे हम बोलते हैं गांधी जयंती। ठीक, गांधी जयंती। ये सब बेसिक चीज है। और राष्ट्रीय नदी जो है हमारी गंगा है, 2008 में घोषित हुई थी। और अगर हम मिसलिनियस की बात करें, कुछ जो मिसलिनियस में आते हैं हमारे क्षेत्रीय परिषद और मुख्यालय की बात करते हैं। अब ईस्ट की बात करें, ईस्ट साइड में कौन सा वो है, तो पूर्वी क्षेत्रीय परिषद जो है, पूर्वी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, ईस्ट लिखा है, ये क्षेत्रीय परिषद आप जोड़ लीजिएगा, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, मध्यम, और ठीक है, तो पूर्वी में है इसका हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर हम लिख रहे हैं, हेडक्वार्टर है कोलकाता है। और अगर पश्चिमी की बात करें अगर हम, तो यही पश्चिमी मुंबई में है हेडक्वार्टर, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई में है। अगर मध्य की बात करें तो प्रयागराज में है, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद। और वहीं उत्तरी की बात कर लें तो न्यू दिल्ली में है, न्यू दिल्ली, ठीक है, ठीक, दिल्ली। और दक्षिणी की बात करें, मतलब साउथ की बात करें, तो चेन्नई में है हेडक्वार्टर, ये पूछ सकता है, इसीलिए हमने लिख दिया। उत्तरी में न्यू दिल्ली में है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। और उसके बाद साउथ में जो है जो क्षेत्रीय परिषद है वो चेन्नई में है हेडक्वार्टर। ईस्ट की बात करें तो कोलकाता में है, और वेस्ट में मुंबई में, और मिडिल में प्रयागराज है। और इसी क्रम में हम आगे और बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र आते हैं। जैसे पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था तो उसी समय राज्य एवं राज्य संघ राज्य क्षेत्र की संकल्पना आती है, तो प्रमुख रियासतें थी यहाँ पर, और इसमें भारत का विलय किया गया, भारत में विलय किया गया। तो ये जो रियासत थी, तीन रियासतों की बात होती है यहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जो 26 सितंबर 1947 को, ठीक है, ये किस विलय पत्र द्वारा भारत में विलय किया गया। और हैदराबाद आता है, हैदराबाद, ठीक है, ये 17 सितंबर 1948 को कैसे होता है, यहाँ पर जो है पुलिस कार्रवाई की जाती है, ऑपरेशन पोलो, जिसका पुलिस कार्रवाई द्वारा, ऑपरेशन पोलो,
ऑपरेशन पोलो द्वारा, ऑपरेशन पोलो द्वारा। और जूनागढ़ की बात करें, जो रियासत थी जूनागढ़, ये 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह द्वारा, जनमत संग्रह द्वारा ये अपनाया गया। ठीक है, तो इसके आगे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारा भारतीय संविधान का जो मूल है वो सब हम डिस्कशन करेंगे, जहां से क्वेश्चन अक्सर आते हैं। तो थैंक यू, यहाँ तक के लिए।